नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुआयामी विकलांगताओं के बारे में चार प्रकार बताए थे, माइंड मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, ये सब चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार 3 से 4 साल जैसी हरकतें बच्चा करने लग जाता है। आपने पिछले वीडियो में ये भी देखा था ऑटिज्म क्या होता है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या होता है, CWSN बच्चों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, CWSN बच्चों की पहचान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने कई चीज़ें देखी थी, दृष्टि बाधिता है, इसके अलावा बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्न स्तर है, इसके अलावा सीखने संबंधी विकलांगताएं, अस्थि संबंधी विकलांगताएं, शारीरिक विकलांगताएं, कई विकलांगताओं के कई क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो है विशिष्ट शिक्षा, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी एजुकेशन बच्चों? स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का ये जो टॉपिक है बच्चों, न केवल बीएड सेकंड ईयर के लिए, बल्कि आगामी दिनों में आप जो रीट और सीटेट का जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी आपके लिए स्पेशल एजुकेशन वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो को देखने से पहले एक कॉपी और पेन भी साथ रखें और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से सुने और लिखें, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आता है विशिष्ट शिक्षा क्या है, आप सब जानते हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हर छात्र में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बच्चा अलग अलग होता है। आप जानते हैं कई बच्चों की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, कई बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कई बच्चे सृजनशील होते हैं, कई बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, कई हाथ का सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे अच्छा उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे दैनिक क्रियाकलापों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना सहारे के उठ नहीं पाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान से ढंग से सुन नहीं पाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ढंग से उठ भी नहीं पाते हैं। इन सब बच्चों को बच्चों विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। अब ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है, जिनको विशेष सुविधाओं और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है, उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना ही बच्चों क्या कहलाता है? विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। तो क्या है विशिष्ट शिक्षा? विशिष्ट शिक्षा का अर्थ है विशेष आवश्यकता युक्त बालकों को। कौन से आवश्यकता युक्त बालकों को? विशेष आवश्यकता युक्त बालकों को विशेष वातावरण। कौन सा वातावरण देंगे? अलग से वातावरण। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और विशेष संरचित उनका पाठ्यक्रम होगा और विशिष्ट तकनीकी प्रविधि और सामग्रियों के द्वारा जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चों वो कहलाती है स्पेशल एजुकेशन। एक बार ध्यान से दोबारा सुनो, विशिष्ट आवश्यकता युक्त बालकों को विशेष वातावरण दिया जाए, विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाए और विशिष्ट संरचित पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार की तकनीकी और प्रविधियों का शिक्षण में उपयोग किया जाए, तो ऐसी शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है? अब आप जानते हैं कई मनोविदों ने या मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा दी है, जिसमें दो परिभाषाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, हंट की और क्रो एंड क्रो की। तो JD हंट साहब क्या कहते हैं बच्चों? वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चार जो है
मैंने आपको श्रेणियां बताई थी, व्यक्ति भिन्नता में बताई थी ना कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। शारीरिक में मैंने बताया था आपको कि कई बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है, कई विकृत हो सकता है, अंग भंग नहीं होने वाले बालक जो है वो शारीरिक व्यक्ति भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। संवेगात्मक मैंने आपको बताया था, कई बच्चे डरपोक होते हैं, कई बच्चे गुस्से वाले होते हैं, ये संवेगात्मक। सामाजिक में आपने देखा कई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं और कई बच्चे बाह्यमुखी होते हैं, कई बच्चे उभयमुखी होते हैं। लेखक जो है अंतर्मुखी होता है, जबकि एक लीडर जो होता है वो बाह्यमुखी होता है, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, और एक मानसिक, मंद बुद्धि, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। इन सब विशेषताओं में अगर क्या हो, विशिष्ट हो, क्या हो, विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग हो, मतलब यहाँ पर बताया गया जो शिक्षा शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है तो वो शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानी जाएगी बच्चों। अब प्रो एंड प्रो कहता है कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में विशिष्ट हो और जिसको उच्चतम स्तर पर पहुंचने में किसकी आवश्यकता हो, प्रशिक्षण की आवश्यकता हो बच्चों, वो कहलाता है क्या, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को उसे ही विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत इन दो की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है, पहला प्रो एंड प्रो, दूसरा जेडी हंट। तो इन दो की परिभाषा विशिष्ट शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आता है कि विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति क्या है, क्या उसका महत्व है, विशिष्ट शिक्षा में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो पहला है बताओ, हर पक्ष का विकास करती है। विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालकों को विशेष तकनीकों, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों, प्रविधियों, शिक्षण सामग्री और विशेष वातावरण में शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चे के हर पक्ष का क्या हो बच्चों, विकास होता है, ताकि वो बालक सामान्य बालकों में अपने आप को ढाल सके। उसके हर पक्ष का विकास किया जाता है ताकि वो सामान्य बालक के साथ खड़ा होने की हिम्मत रख सके, सामान्य एनवायरनमेंट में अपने आप को सक्षम बना ले। इसलिए विशिष्ट शिक्षा हर पक्ष का क्या करती है बच्चों, विकास करती है। उसके बाद है कि विशिष्ट शिक्षा में एक पाठ्यक्रम भी विशिष्ट होता है, सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम में और विशिष्ट बालकों के पाठ्यक्रम में अंतर होता है। उनको जो शिक्षक पढ़ाता है वो भी विशेष प्रशिक्षित बालक होता है और व्यवस्थित रूप से उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो अच्छा विकास कर सके। तो विशिष्ट जो शिक्षा है वो योजनाबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है। उसके बाद देखो, बालक का सर्वांगीण विकास। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी रूपों में बच्चे का विकास करना विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति मानी जाती है। हर तरीके से बच्चे का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। उसके बाद होता है विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा दी जाती है, CWSN छात्रों को शिक्षा दी जाती है। उसमें ये नहीं दिया जाता कि उस बच्चे का जन्म किस परिवार में हुआ है, वो किस लिंग का है, या वो नाटा, छोटा, काला, पीला, रंग रूप में विभेद रखता है, इस आधार पर उसको प्रवेश दिया जाता है। मतलब इन सब में जन्म, लिंग, आकार, इन सब के भेद के आधार पर विशिष्ट शिक्षा नहीं दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दी जाती है। तो विशिष्ट शिक्षा में लिंग, रूप, आकार में भेदभाव नहीं किया जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और अध्यापकों की आवश्यकता।
विशिष्ट शिक्षण देने के लिए, आपको पता है बच्चा उठ नहीं पा रहा है, तो बच्चा उठ नहीं पा रहा है तो उसको स्कूल से यहाँ लाने के लिए क्या परिवहन सुविधा भी चाहिए, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स में विशेष प्रशिक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि इनमें से आत्मविमोह, ऑटिज्म, सेरेलम पॉलिसी, इन कई विशेषताओं वाले बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सामान्य बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षक उसमें नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण भी जो नॉर्मल आपकी कॉलेज है वो नहीं देती है। स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से महाविद्यालय है जो कि अध्यापकों को तैयार करने का कार्य करते हैं, और उन अध्यापकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो स्पेशल चाइल्ड्स को स्पेशल एजुकेशन प्रदान कर सके। तो स्पेशल एजुकेशन की प्रकृति कैसी है, हर पक्ष का विकास करती है, योजनाबद्ध व व्यवस्थित है, योजनाबद्ध रूप से दी जाती है और बिल्कुल व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा में लिंग, रूप, आकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दी जाती है बच्चों। उसके बाद आती है, इसमें विशिष्ट शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और अध्यापकों की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। आपको पता है जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके अंदर विभिन्न कौशलों का विकास किया जाता है, उनके से हाथ के काम ज्यादा करवाए जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा हाथ के काम ज्यादा कौशल से कर पाता है, यांत्रिक कार्य ज्यादा करता है। तो इस जैसे दरिया बनाना है या झाड़ू बनाना है या कुछ भी टेबल बनाना है या पेपर मेसी का कोई पेपर मेसी से कोई शेप बनानी है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी उन बच्चों से करवाई जाती है ताकि वो आगामी दिनों में जब बड़े हो तो आत्मनिर्भर बन सके। तो विशिष्ट शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो क्या बन सके बच्चे हो, क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षा में या विशेष शिक्षा में या स्पेशल एजुकेशन में बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। तो विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति क्या है, हर पक्ष का विकास करना, योजनाबद्ध और कैसी होती है, व्यवस्थित होती है। विशिष्ट शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है। विशिष्ट शिक्षा में लिंग, रूप, आकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और अध्यापकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि CWSN छात्रों को क्या बनाया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके अलावा उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का क्या रखा जाता है बच्चों, ध्यान रखा जाता है। तो समझ में आया प्रकृति और महत्व। अब आता है बच्चों की इनका उद्देश्य क्या है कि इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशेष शिक्षा क्यों दी जाती है। बच्चों आप जानते हो कि कई शारीरिक विमंदताएं मान लो, चाहे दृष्टि बाधित समस्याएं मान लो, चाहे स्वर्ण संबंधी समस्या मान लो, चाहे अस्थि संबंधी समस्या मान लो, हर समस्या गंभीर भी हो सकती है, आंशिक भी हो सकती है और मामूली भी हो सकती है। अगर समस्या मामूली है तो उसको सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा सकता है, लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो उनको विशिष्ट कक्षाओं में भेजना ही अच्छा होता है। तो विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा क्यों दी जाती है,
क्योंकि अगर उनको सामान्य बालकों के साथ बिठा दिया जाएगा तो वो उस वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे को सामान्य विद्यालय में भेजने के बजाय अगर विशेष शिक्षा या कक्षाओं में विशेष तकनीकी प्रविधियों के द्वारा अगर उनको प्रभावित किया जाएगा और उनको इस प्रकार तैयार किया जाएगा ताकि वो समाज में कहीं पर भी समायोजित हो सके। समायोजन आपने पढ़ा ही होगा, अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढालना ही क्या कहलाता है बेटा, समायोजन कहलाता है। आपको पता है कई बच्चे समाज विरोधी हरकतें करते हैं, तो समाज विरोधी जो हरकतें होती है वो कुसमायोजन के अंतर्गत आती है। अपने संवेगों को नियंत्रित करते हुए इस वातावरण के साथ समायोजन हो जाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समायोजन। और समायोजन की जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, इन्हीं रक्षात्मक युक्तियों के कारण हम अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखते हैं। आपने पढ़ा ही होगा द्वंद्व, कुंठा, ये सब क्या है, ये रक्षात्मक युक्तियां हैं जो कि हमें इस वातावरण के साथ, इस समाज के साथ समायोजित करना सिखाती है। वैसे ही इन विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, इनको इस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है ताकि वो समाज में हर प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित कर ले। तो विशिष्ट शिक्षा का मेन मोटिव है समाज व समाज के वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर ले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है CWSN, शारीरिक रूप से जो बाधित है उन बच्चों का पुनर्वास करना। शारीरिक रूप से विमंदित जो बालक है उनका पुनर्वास करना, उनको रहने की सुविधा उपलब्ध करवाना, उनको खाने की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सब विशिष्ट शिक्षा का मोटिव रहता है। नेक्स्ट आता है समाज की सोच को बदलना। आप जानते हैं प्राचीन काल से ही हो रहा है, हमने पढ़ा भी था कि प्लेटो और अरस्तु ने तो यहां तक कहा था क्या कि अगर कोई बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से विमंदित है तो वो ईश्वर का अभिशाप है। मध्यकाल में या आप एथेंस और स्पार्टा की अगर हम बात करें तो वहां पर बच्चों को मार दिया जाता था। आपने हमारे मध्यकाल में भी देखा कि बच्चों को, जो भी विकलांग बच्चे होते थे उनको परजीवी माना जाता था, माना जाता था। लेकिन धीरे 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 स्थितियां बदली और 19वीं शताब्दी में किसके कारण, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति और आंदोलनों ने समाज की सोच को बदलना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने कहा कि विकलांगों को अगर विशेष शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए तो उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और आजादी से पहले हमारे देश में कई प्रकार के विशेष विद्यालय खोले गए ताकि उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जाए। नेत्रहीन विद्यालय भी खोले गए, मंद बुद्धि से संबंधित विद्यालय भी खोले गए, कुष्ठ रोग के जो रोगी है उनके लिए भी विद्यालय हमारे देश में खोले गए। तो उनको खोलना के पीछे उद्देश्य यही था कि समाज की सोच को बदलना। जो इन विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों ने ऐसा करके दिखाया कि वो सामान्य बालकों से कम नहीं है। उन्होंने समाज की सोच को बदल दिया। समाज कहता था विकलांग परजीवी है, लेकिन इन बच्चों ने कह दिया कि हम एक सामान्य बालक से कम नहीं है। आवश्यकता है हमें विशेष तकनीकी प्रशिक्षण की। अगर हमें प्रशिक्षण दिया जाए, विशिष्ट अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल भी दिया था जो कि विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट को जिसने फतेह कर लिया था वो थी अरुणिमा सिन्हा। कभी देखना अरुणिमा सिन्हा का वीडियो। और अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि चलती ट्रेन से टीटी के द्वारा उनको फेंक दिया गया, दोनों पैर, एक पैर पूरा कटा हुआ और दूसरा पैर बिल्कुल जर्जर, लेकिन अपना एक ही लक्ष्य था माउंट एवरेस्ट को पार कर देना और दुनिया को बता देना कि इंसान जो है शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होता, मन से अगर वो सामान्य है तो वो कुछ भी कर सकता है।
तो ये समाज की सोच को बदलना। माँ बाप भी ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा विकलांग है, दृष्टि बाधित है, शारीरिक विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, तो उनकी सोच में नेगेटिविटी आ जाती है। तो समाज की सोच को बदलने के लिए कि स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल एजुकेशन देकर के हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकता है, विकलांग बच्चा बहुत ही अच्छा कर सकता है बच्चों। फिर है बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये मेन मोटिव है विशिष्ट शिक्षा का कि बालक का सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी तरीके से उनका विकास करना। जैसे हमारी भारतीय शिक्षा का भी मेन मोटिव है क्या, सर्वांगीण विकास। जैसे विवेकानंद जी ने शिक्षा की परिभाषा में कहा है कि अपने अंतर्निहित गुणों को पहचानना ही क्या है, शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है बच्चों क्या, जीवन लक्ष्य तक पहुंचना। आप वही अरुणिमा सिन्हा का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बचेंद्री पाल ने उनको ट्रेनिंग दी और बचेंद्री पाल की ट्रेनिंग के बाद वो बच्ची जो दोनों पैर से दो कदम नहीं चल पाती थी, धीरे धीरे प्रयास प्रशिक्षण और अपने मन के दृढ़ विश्वास ने उसको माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया। तो विकलांग बच्चों को अगर स्पेशल एजुकेशन दी जाए तो वो जीवन की सोच क्या कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चे को जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए, उसको समाज में समायोजन देने के लिए, छात्रों का पुनर्वास करने के लिए और समाज की सोच को बदलने के लिए विशेष शिक्षा हमारे सामने आती है, जो कि 19वीं शताब्दी की देन है बच्चों। जो बहुत पुरानी योजना है वो है आपकी स्पेशल एजुकेशन।